सो गाइस मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं 8 to 5। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट में अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, अगर आप यहां पे सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड करके प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप यहां पे इजीली आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा। अगर आपका यहां पे रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा तो दोस्तों आप यहां पे प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां पे सोच रहे हैं कि मैं प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट कर दूंगा, मेरे को यहां पे चार्ज के बारे में बता दो और यहां पे बेनिफिट के बारे में बता दो। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भाई जरूर दबा देना। आपको यहां पे नए-नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते, जैसे यहाँ पे मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी प्रीमियम अकाउंट है वहाँ पे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा, कितना आपको बेनिफिट है, कितना आपको अकाउंट में बैलेंस रखना पड़ेगा और कितना तक आप यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे रख सकते हैं प्रीमियम अकाउंट में। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको यहाँ पे अकाउंट को अपग्रेड करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट, अगर आपका पहले से जो भी आपका अकाउंट होगा भाई जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, वो भाई आपने अकाउंट ओपन कराएंगे तो दोस्तों आपको वो होगा रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा। अगर आप यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए होंगे प्रीमियम अकाउंट में, तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लो, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना। पहले आप यहाँ पे देख लो, चार्ज देख लो और आपको इंटरेस्ट रेट भी देख लो, ठीक है। तो दोस्तों चलो मैं थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करता हूँ। दोस्तों पहले आप ये देखो भाई, सर्विस चार्ज फी फॉर प्रीमियम सेविंग अकाउंट है, ठीक है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, तो यहाँ देखो भाई, यहाँ बताया जा रहा है कि इजिलिटी बताया जाए, ठीक है, एनी बडी एबव 10 ईयर विथ KYC, यानी अगर आपका यहाँ पे 10 साल एज हो चुका है तो दोस्तों आप यहाँ पे इजिलिबल है, जो कि आप यहाँ पे प्रीमियम सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट। ओके, तो समझ गए, आधार कार्ड से आपको KYC हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी फंड आप समझ गए। और दोस्तों यहाँ देखो भाई, यहाँ बता दिया कि साफ साफ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट में अगर आप यहाँ पे प्रीमियम सेविंग अकाउंट को ओपन करवाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखो भाई, बताया कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन चार्ज, यहाँ बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 149 प्लस DS यानी GST टोटल मिला के मानो कि 200 समथिंग एक तरह से मान लो कि लग जाएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन करवाते हैं दोस्तों। आपको अकाउंट का चार्ज 150 रुपया यानी 149 प्लस GST आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, इतना रुपया आपको देना पड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो बता रहा है कि एनुअल रेनुअल चार्ज, और आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एनुअल को ये दिया गया रेनुअल जो भी है चार्ज दिया, यह बताया जा रहा है कि 99 प्लस GST आपको यहाँ पे इतना चार्ज लगेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखो बताया जा रहा है कि मिनिमम डिपॉजिट, यानी जो भी आपका यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, मिनिमम आप यहाँ पे डिपॉजिट 200 रुपये कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ देखो एक चीज़ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे मिनिमम अकाउंट बैलेंस नील है, यानी आपको 1 रुपये आपको यहाँ पे मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आपका अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 रुपये भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भाई मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा, ठीक है, लेकिन आपको शुरुआती आपको यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ कि आपको यहाँ पे अकाउंट चार्ज आपको लगेगा प्लस GST चार्ज लगेगा, ठीक है, समथिंग मारो 150 और 50 रुपये या 40 रुपये GST हुआ या 30 रुपये या 20 रुपये ऐसी कुछ होगा, ठीक है, मानो 200 रुपये तक आपको यहाँ पे चार्ज कट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ देखा अकाउंट का आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नील है, जीरो बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई, मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस, इसका ये कहना है कि भाई आप जो भी प्रीमियम अकाउंट होगा अगर आप यहाँ पे ओपन कराएंगे या आप यदि आप इन यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट करा दिए होंगे प्रीमियम अकाउंट में दोस्तों, आपका ये होगा कि आप यहाँ पे अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी आप जो भी आपका यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा उसमें दोस्तों आप यहाँ पे मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही रख सकते थे, 1 लाख रुपए। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट में अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करा देंगे दोस्तों, आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी फंडा समझ गए। उसके बाद दोस्तों और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे बता रहा है कि नॉमिनेशन फैक्ट्री अवेलेबल है, उसके बाद लिंकिंग ऑफ POSA अकाउंट, यस, ओके। उसका देखो यहाँ पे बताया जाए कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज 1 MBAB इस टाइप दिया, आपको यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, नाक बराबर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो भाई, एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपका अगर आपका जो भी अकाउंट में बैलेंस होगा, जैसे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 50,000 या 10,000 20,000 रुपये जो भी है, आपको भाई वहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी यहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है कि बैलेंस अप टू INR 1 लाख में आपको यहाँ पे 2% मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1 लाख से अगर आप यहाँ पे ज़्यादा अप टू 2 लाख रुपए तक अगर आप यहाँ पे रखते हैं, जैसे 1 लाख से अगर आपका ज़्यादा अकाउंट में बैलेंस है या यदि आपका 2 लाख रुपए है, तो गाइस आपको यहाँ पे 2.5
2-5% तक आपको पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, आपको पन एनुअल यानी साल में आपको मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी फंडा समझ गए, ये आपको समझा दिया अच्छे से। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो क्या चीज दिया है, इंटरेस्ट रेट पेमेंट क्वालिटी इस टाइप से दिया गया, ठीक है। SMS अलर्ट दोस्तों ये होगा कि प्रीमियम अकाउंट में जो भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कराएंगे, रेगुलर सेविंग अकाउंट को प्रीमियम अकाउंट में अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट कराएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे SMS चार्ज 10 रुपीज़ आपको यहाँ पे कटेगा, ठीक है, 10 रुपीज़ कटेगा। अगर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा तो 7 रुपये 43 पैसा कटता था, अगर आप प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 रुपये कटेगा, ठीक है। 3 मंथ या 4 मंथ में आपको कटेगा, ठीक है, ये मंथली बाय मंथली नहीं है, 3 से 4 मंथ के में आपको कटेगा, ठीक है। साल में आपको यहाँ पे 2 से 3 बार कटेगा, ठीक है, सिंपल सी फंडा समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखो अकाउंट स्टेटमेंट फ्री है, मंथली ई स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मंथ में ईमेल जो भी आपका होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट में लिंक होगा ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मंथ के लास्ट तक में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे QR कोड फ्री दिया जाएगा, आपको यहाँ पे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सेटिंग ऑफ सेंडिंग स्टैंडिंग स्टेप दिया जाएगा, फ्री है। उसके बाद अकाउंट क्लोज चार्ज, अगर आप यहाँ पे अकाउंट क्लोज करवाते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे प्रीमियम सेविंग अकाउंट ओपन कराएं, ठीक है, यदि आप प्रीमियम सेविंग अकाउंट यानी ओपन करवाएं दोस्तों, अगर आप सोचें कि मैं 3 मंथ के अंदर मैं अकाउंट को क्लोज कराना चाहता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 50 रुपये प्लस GST चार्ज टोटल मिला के मानो 80-90 या 100 रुपये तक आपको यहाँ पे चार्ज लग जाएगा अकाउंट क्लोज कराने में, ठीक है। तो सिंपल सी फंड आप समझ गए। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि अकाउंट क्या चाहिए, बैलेंस सर्टिफिकेट पर स्टेंस ये दिया है जो आपको यहाँ पे 50 रुपये है, उसका बिल पेमेंट पे चार्ज है फ्री है, और इसका कैश डिपॉजिट चार्ज फ्री है, कैश विड्रोवल चार्ज फ्री है, और वर्चुअल डेबिट कार्ड को आपको यहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज ओनली 25 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, वो तो सभी को लगता है, ठीक है। उसका वर्चुअल डेबिट कार्ड इस टाइप से दिया गया नील है, और डोर स्टेप बैंकिंग फ्री है। उसका AEPS अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं अंगूठा लगा के AEPS से दोस्तों, आपको यहाँ पे देखो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन पोस्ट फ्री लिमिट है, ठीक है, आपको यहाँ पे 20 ट्रांजेक्शन आपको फ्री है। अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन अगर आप यहाँ पे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक अकाउंट कट जाएगा या चार्ज आपको लग जाएगा, ठीक है, सिंपल से फंडा समझ गए। AEPS से डिपॉजिट अगर आप करते हैं IBP नेटवर्क से 20 ट्रांजेक्शन पोस्ट फ्री लिमिट यहाँ पर दिया गया, अगर आप 20 से पार कर दें दोस्तों, आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे AEPS मिनी स्टेटमेंट पे क्या चीज़ दिया है, जो कि आप यहाँ पे 5 पर ट्रांजेक्शन पोस्ट फ्री लिमिट है, ठीक है, 5 अब इसमें भी लिमिट फ्री है, ठीक है, आप इजीली आराम से यहाँ पे देख सकते जो भी है आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है। पोस्ट ऑफिस देखो सेविंग अकाउंट दिया गया, इस सब आप यहाँ पे नोट में पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी फंडा है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सी बहुत फंडा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी है ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी फंडा समझ गए। अगर आपका यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा तो गाइज आपको यहाँ पे कम ही रुपये आपको चार्ज, एक तरह से मानो आपको 1 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज नहीं लगता होगा अगर आप यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कराते होंगे तो। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट अगर आप यहाँ पे ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस जाके दोस्तों, आपको यहाँ पे 200 रुपये समथिंग मानो चार्ज आपको ले लेगा, ठीक है, 200 रुपये मानो। अगर आप यहाँ पे अकाउंट को अपग्रेड भी करवाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे अकाउंट से बैलेंस ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपका प्रीमियम अकाउंट होगा यानी रेगुलर सेविंग अकाउंट होगा तो आप अगर प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इतना चार्ज कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल चार्ज आपको यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है, जो भी है एनुअल अगर आप यहाँ पे कराते हैं रेनुअल चार्ज दोस्तों, आपको यहाँ पे समथिंग मानो 199 है तो 150 तक आपको यहाँ पे चार्ज लग सकता है, ठीक है, ये 99 दिया तो 150 तक मानो मोटा मोटी आपको चार्ज लग जाएगा। तो ये छोटा सा कुछ जानकारी देना था कि अगर आपके यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट है तो गाइस अगर आपके यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट है, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे मैं चार्ज बता दूँ इतना आपको चार्ज, अगर आपको बेस्ट लग रहा है तो गाइस आप यहाँ पे कन्वर्ट करो, अगर आपको बेस्ट नहीं लग रहा है तो मत यानी कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले से मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपके यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट है तो अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रीमियम अकाउंट में तो मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना। चलते सो बाय बाय।